हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज मैं पनीर बटर मसाला बनाने जा रही हूँ और इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बेसिकली आज का हमारा लंच बॉक्स है। आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा चलो आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो मैंने थोड़ा पनीर बटर मसाला बनाया विथ वेरी लेस बटर। मैंने भर भर के बटर बिल्कुल भी नहीं डाला है, मैंने बहुत ही लेस अमाउंट में और ऐसा डाला है कि आपके हेल्थ वाइज भी बहुत सही रहेगा, कुछ भी हानिकारक नहीं करेगा। तो आप जैसा देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पनीर ऐसा फ्राई करके निकाल लिया और यहाँ पर आपको प्याज मिर्च और काजू के साथ थोड़ा फ्राई करना है और धनिया पत्ता अगर आप डाल देना तो आपका जो टेस्ट है ना वो इतना बढ़ जाता है ना, इवन आप जब मिक्सर में ग्राइंड करोगे ना पीसने के बाद इतनी अच्छी कलर आती है ना कि आप मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा कलर आएगा और बहुत टेस्टी बनता है। और काजू तो डालना ज़रूर डालें क्योंकि काजू के बिना पनीर बटर मसाला अधूरा है। और हाँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है काजू तो आप नहीं भी डाल सकते हो, उसके जगह पे मूंगफली का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट काजू मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट रहेगा कि आप वही डालें। तो बस आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से भुनना है, प्याज और टमाटर थोड़ा सा ऐसा गलने लगे तो बस आपको बंद करना है और इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया और उसमें बहुत कम थोड़ा सा बटर ऐड किया है, थोड़ा आपको इसमें जीरा डालना है और ये सारे खड़े मसाले डालना है। ये आपका लौंग है, ये दालचीनी और इलायची, और मैंने दो तरीके की जो लाल मिर्च है ना वो डाली है। तो ये एक तो लाल मिर्च और एक को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, बट उसको डालने से ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो बस आपको पेस्ट जो हमने बनाया था ना उसे अच्छा सा बनाना है और इसमें डाल देना है बस, और कुछ नहीं डाला। नमक हल्दी थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल के थोड़ा सा बस आपको मिलाना है। आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ आपको गार्निश कर देना है। बस अपना ये पनीर बटर मसाला बन के रेडी है। और आप देख सकते हो मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत सिंपल एंड बहुत नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ जो लोग आराम से बना सकते हैं अपने घर पर। बस अब चलिए सर्विंग करते हैं। तो रोटी ले लिया, थोड़ा सा सैलेड में प्याज था तो मैंने प्याज कट किया, और ये रहा अपना आज का स्पेशल सब्ज़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।